बच्चों आज हम क्लास यूकेजी में हिंदी में अक्षर लिखेंगे। आप सभी ने अपनी हिंदी की कॉपी निकाली होगी। चलिए बच्चों सबसे पहले आप मेरे साथ साथ यहाँ पर क्रॉसवर्ड डालेंगे, लाल लाइन है ना आपकी, उसके ऊपर है ना, लिखिए। देखो मैंने लिखा, मैं लिख रही हूँ, आप भी मेरे देख के लिखिए। इस तरह से सभी बच्चे डालिए क्रॉसवर्ड। लिख लिया सभी ने? अब देखो जो आपके फर्स्ट यहाँ पे लाल लाइन है ना, उसमें हम नहीं लिखेंगे, उसके नीचे वाली लाइन से, नीली लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सब बच्चे लाइन खींचो, ऐसे सब बच्चे इस तरह से लाइन खींचिए और मेरे साथ साथ लिखेंगे या लिखेंगे हम के। कैसे लिखेंगे? पूरी सी लाइन खींचो, नीचे वाली लाइन पे बढ़ा के खींचो और उधर से ऐसे गोला बनाओ, इसको ऊपर ले जाते हुए ऐसे इसकी पूंछ निकालो, ऐसे लिखिए के। कैसे कबूतर होता है ना, पिछली नर्सरी क्लास में हमने पढ़ा था कैसे कबूतर। तो हम से कबूतर नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ो और आगे लिखेंगे हम खे। लाइन खींचो, खे कैसे बनाएंगे? इस तरह से ऐसे करो, पहले ऐसे घुमाते हुए या गांठ लगा के पूछ निकालो इसकी, सीधी लाइन खींचो ऐसे और यहाँ पर गोला बनाओ, ऐसे बन गया खे। पढ़िए इसको उंगली रख के खे। कैसे खरगोश नहीं बोलेंगे, खे बोलेंगे सिर्फ, क्या पढ़ेंगे इसको खे। आगे लिखो थोड़ी सी जगह छोड़ करके गे, लाइन खींचिए, लिखो यहाँ पे गे। कैसे लिखेंगे? सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ तक, गोला बनाएंगे ऐसे, यहाँ से एक और सीधी लाइन खींचेंगे, इसको नीचे वाली लाइन पे टच करेंगे, है ना, नीचे वाली लाइन के सारे अक्षर इस तरह से नीचे वाली लाइन पे टच करके लिखना। देखो इस तरह से, इस तरह से ऐसे, है ना, बड़ा बड़ा लिखेंगे, सुंदर सुंदर जमा के लिखिए गे। आगे लिखिए, इसको लिखने के बाद पढ़ो उंगली रख के गे। अब हम लिखेंगे गे, ये गे से गमला वाला गे, अब हम लिखेंगे गे से घड़ी, है ना, गे बोलेंगे उसको। बनाओ पहले इस तरह से गोला बनाओ, बनाओ सभी बच्चे, पेंसिल उठाना मत, मैंने भी चौक नहीं उठाई ना, आप भी बनाओ। अभी गोला फिर से बनाओ, इसको ऊपर तक ले जाओ, यहाँ से सीधी लाइन खींचो, ऐसे ये लाइन खींचने के बाद हम पेंसिल उठाएंगे, है ना, क्या ये घे। लिख लिया सभी ने क्या है? अब आगे लिखेंगे थोड़ी सी जगह छोड़ करके अंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखो छोटे से डंडी खींचो, इसको ऐसे गोला बनाओ, इधर घुमाओ और फिर नीचे लाके इसको ऐसे इधर घुमाओ, इस तरह से बनाया और यहाँ पर किसी लगाओ, इसको क्या पढ़ेंगे हम? अंगे। क्या पढ़ेंगे इसको? अंगे। अब देखिए ये वाली लाइन हम फिर से पढ़ेंगे, लिख तो लिया हमने, उंगली रखी है के नीचे, मेरे पीछे पीछे बोलिए के, खे, गे, घे, अंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली लाइन हम छोड़ेंगे, उसके नीचे वाली लाइन में लिखिए, लाइन खींचो, लिखिए यहाँ पर बच्चे मेरे साथ साथ चे। कैसे लिखेंगे चे? लाइन खींचो सीधी, सीधी लाइन खींचो नीचे वाली लाइन तक, और यहाँ से इस तरह से गोला बनाएंगे, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ घुमाएंगे और सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे, ये बन गया चे। लिखिए गोल गोल के चे। अब थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे यहाँ पे और आगे लिखिए छे, लाइन खींचो, छे कैसे लिखेंगे हम? देखिए इधर पहले ऐसे गोला बनाओ, एक और गोला बनाओ, ऊपर तक ले जाओ और ऐसे इसमें गांठ लगा दो, क्या बन गया छे। छे से छाता होता है ना, तो हम से छाता इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? छे। अब आगे लिखिए जे, लाइन खींचो, यहाँ पे जे बनाएंगे, सीधी लाइन खींचो पहले ऐसे, पिछली सभी बच्चों ने क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ से इस तरह से छोटी सी लाइन खींचो और इसको यू घुमाते हुए ऐसे गोला बनाओ, ऐसे ये बन गया जय।
जैसे जहाज है ना, उसे जहाज नहीं पढ़ेंगे, इसको जय बोलेंगे। क्या पढ़ेंगे? जय। आगे लिखेंगे हम जय, जैसे झंडा। कैसे लिखेंगे जय? लाइन खींचो पहले सब बच्चे, मैं बताऊं जैसे मैं बोलूं वैसे लिखिए, छोटी सी लाइन खींचो इस तरह से, देखो इसको इधर घुमाओ, फिर वापस इधर घुमाओ और ऐसे इसकी पूंछ निकालो सभी बच्चे, ऐसे बनाओ। पहले बना लिया यहाँ तक, अब देखो यहां से लाइन खींचो इस तरह से और ऊपर से सीधी लाइन खींचो नीचे वाली लाइन तक। अगर ये लाइन इस लाइन के अड़ नहीं है तो आप इसको इसको ऐसे अड़ा दो, है ना, ये लाइन इस लाइन के अड़नी चाहिए। बन गया जय। ये क्या पढ़े, इसको क्या पढ़ेंगे? जय। और इसको पढ़ेंगे जय। और यहाँ पे लिखेंगे हम ई एम, लाइन खींचो सब बच्चे। ये कैसे लिखेंगे? सीधी लाइन खींचो इसलिए सभी ने। अब यहाँ पर छोटी सी ऐसे लाइन खींचिए, ये देखो इस तरह से इसलिए, और यहाँ पर इस तरह से घुमाते हुए ऐसे गोला बनाओ, आधा गोला इस तरह से, ये बन गया ई ए। क्या पढ़ेंगे इसको आप? ई ए। वापस देखिए इस लाइन को पढ़ेंगे हम सब बच्चों के लिए, रखो छह के नीचे मेरे पीछे पीछे बोलिए, छ जय जय ये, ठीक है। अब ये वाले लाइन हम फिर से छोड़ेंगे, इसके अगली वाली लाइन में लिखेंगे। लाइन खींचिए सभी बच्चे। अब यहाँ पर लिखिए तय। तय कैसे लिखेंगे? छोटी सी लाइन खींचेंगे और ऐसे गोला बनेंगे, ऐसे बन गया तय। लिखिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में, सुंदर सुंदर और बड़ा बड़ा लिखेंगे, धीरे धीरे जमा जमा के लिखिए तय। लिख लिया, आगे लिखिए है। है कैसे लिखेंगे? लाइन खींचो, छोटी सी लाइन खींचेंगे इस तरह से, पहले टै बनाया उसको और आगे ले जाएंगे और पूरा गोला बना देंगे, बन गया है। है से ठटेरा होता है ना, तो से ठटेरा आप नहीं पढ़ेंगे इसको, सिर्फ है बोलेंगे, बोलिए है। आगे लिखिए दे, यहाँ पर लिखेंगे हम दे। लिखिए छोटी सी डंडी खींचो, लाइन खींची छोटी सी और उसको इधर घुमाओ और एक बार इसको फिर से इधर घुमाओ, जैसे ये आगे बनाया था ना वैसे ही बनाइए डे। बस इसमें यहाँ पर बिंदी नहीं लगेगी और इसमें बिंदी लगेगा, है ना, बिंदी नहीं लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? डे। डे से डबरू होता है ना, डे। आगे लिखिए ढे। ढे से ढक्कन। कैसे बनाएंगे ढे? छोटी सी लाइन खींचो, फिर इस तरह से कैसे टमाटर बनाओ उसको ऊपर से थोड़ा सा ले जाके और यहाँ ऐसे गोला बना दो। ये क्या बनाया हमने? ढे। पढ़िए इसको ढे। आगे लिखिए अणे। अणे कैसे लिखेंगे? लाइन की जो सीधी, अब देखो सीधा नीचे तक लाइन, नीचे तक पूरी लाइन तक मिलाएंगे इसको, ऐसे लाइन खींचते हुए यहाँ तक लाएंगे इसको, वापस यहीं से घुमा देंगे और ऊपर तक ले जाएंगे, फिर यहाँ से सीधी लाइन इस लाइन को नीचे लाइन तक अड़ाएंगे, ये हो गया अणे। क्या लिखा है पढ़िए इसको, अणे। वापस इसी लाइन को पढ़ेंगे आप, बोलिए ठे ठे दे ढे अणे। आई समझ में? अब देखिए ये वाली लाइन छोड़ेंगे हम फिर से और अगली लाइन में लिखेंगे, इस वाले लाइन में लिखिए, लाइन खींचो सभी बच्चे, खींचती सभी ने। अब यहां लिखेंगे हम तय, लाइन खींचो सीधी और यहां से इसको घुमाते हुए ऐसे बनाइए, ये बन गया तय। क्या है ये? तय। आगे लिखिए, लाइन खींचो इसी के आगे, यहाँ लिखेंगे हम थे। थे कैसे बनाएंगे? पहले इस तरह से ऐसे करो, ऐसे यज्ञ बनाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे यज्ञ बनाओ सभी बच्चे, इसको थे बनाना है। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर इस तरह से गोला बनाओ, ये बन गया थे। थे से थर्मस होता है, तो से थर्मस हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ थे बोलेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? थे।
थे। अब लिखेंगे हम देखिए लाइन खींचो दे कैसे बनाएंगे, पहले छोटी सी लाइन खींचेंगे फिर इस तरह से घुमा के टेस्ट टमाटर वाला बनाया, टमाटर का बनाया और उसमें गांठ लगा देंगे तो ये क्या बन गया दे। क्या पढ़ेंगे इसको हम सभी बच्चे बोलो दे, क्या है ये दे। आगे लिखिए दे, दे कैसे बनाएंगे, इस तरह से गोला बनाओ आधा, इसको एक और गोला बनाओ, इसको और ऊपर तक ले जाओ और यहाँ से सीधी लाइन खींचो, उसके बाद यहाँ गोला बनाओ ऐसे, ये बन गया ध। पढ़िए इसको ध। अब यहां लिखो ने, खींचो लाइन सीधी लाइन खींची इस तरह से और यहां से इसको ऐसे लाते हुए ये बनाइए ने, क्या है ये ने, लिख लिया सभी ने। चलिए इस लाइन को पढ़ेंगे और बोलिए ते है, दे, दे, और ने। आप अगली लाइन में लिखेंगे, ये वाली लाइन आपको छोड़नी है, उसके अगली वाली लाइन में लाइन खींचो, लिखिए यहाँ पे पे, सीधी लाइन खींचेंगे और इसको ऐसे बनाएंगे, पैसे पतंग होता है ना, तो हमको सेम पतंग नहीं बोलना है, सिर्फ पे बोलना है ना, लिखिए पे। चलिए आप आगे लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे फे, सीधी लाइन खींचो, इसको यहां से देखो ऐसे घुमाते हुए, ये पहले पे बनाया हमने, इसी को हम आगे ले जाएंगे और ऐसे नीचे लाएंगे, पूरे नीचे वाली लाइन का हटा देंगे इसको, ये बन गया फे। क्या पढ़ेंगे इसको हम फे। आगे लिखिए, इसको लिखने के बाद वापस हाथ से उंगली रख के पढ़ो फे। यहाँ पर लाइन खींची आगे खींची सभी ने, अब यहाँ लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बे, लाइन खींची सीधी और यहां से गोले बनाएंगे ऐसे और इसको यू काटेंगे ऐसे, ये बन गया बे। क्या पढ़ेंगे इसको हम बे। आगे लिखिए लाइन खींचो, अब यहाँ लिखेंगे हम भय, भय कैसे बनाएंगे, पहले जैसे हम गे बनाते हैं ना, पहले गे बनाएंगे, ये गे बनाया, हम इसको और आगे ले जाएंगे थोड़ा सा और सीधी लाइन खींचेंगे, ये मैं बन गया, अब इसको यहाँ से वापस एक गोला बना दो, ये बन गया भय। क्या बन गया ये भय। यहाँ पर लिखिए मैं, लाइन खींचिए सीधी लाइन खींचेंगे, इसको ऐसे गोला बनाएंगे और आगे ले जाएंगे और सीधी लाइन में से मिला देंगे नीचे तक, क्या बन गया मैं। क्या पढ़ेंगे इसको हम मैं। चलिए पढ़िए इस लाइन को बोलो पे फे बे भे मैं, फिर से शुरू से पढ़ेंगे सब बच्चे, क्या क्या नीचे उंगली रखी है मेरे पीछे पीछे बोलिए, के खे गे घे अंगे चे छे जे झे इये टे ठे डे ढे अणे ते थे दे धे ने पे फे बे भे मैं। पढ़ लिया सभी ने, अब आपको नीचे जो आज का पेपर खाली है वहां पे आपको होमवर्क करना है, होमवर्क में आप क्या लिखोगे, ये वाली लाइन लिखनी है आपको, पे वाली लाइन ना, पे पहले पूरा इधर से पे पे बोल के लिखना पूरी ये वाली लाइन, फिर फे बे भे और मैं, ठीक है। सुंदर सुंदर राइटिंग आपको होमवर्क करना है और करने के बाद उसको फिर से उंगली रख के पढ़ना भी है, ठीक है ना।